علی نہیں تو ٹھہرا تیرے قلم کا کیا ٹھکانا مجھے یہ کم نہیں ہے کہ یہ بدل گیا زمانہ اے میرے زندگی کے مالک کہیں تو بدل نہ جانا हाँ बहनों भाइयों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐतिहासिक व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं माचाड़ी, जो राजगढ़ तहसील में पड़ता है, राजगढ़ से थोड़ा पहले। तो वहाँ के इतिहास के बारे में, माचाड़ी में जन्मे थे राव प्रताप सिंह। 1740 में उनका जन्म हुआ था और आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है 1 जून को। और यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है माचाड़ी के स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो चलते हैं वहाँ, ये सामने जो दिखाई दे रहा है वही प्रोग्राम है। तो महाराजा राव प्रताप सिंह नरुका का जन्म 1740 में माचाड़ी में हुआ था। इन्होंने ही अलवर की स्थापना की थी 1775 ईस्वी में। तो चलते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम राव प्रताप सिंह के जन्मदिन के उत्सव पर देखते हैं, आनंद लेते हैं और मज़े लेते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत बड़े होने वाला है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। तो पहला पार्ट आप आ ही चुके हैं, देख रहे हैं। और अब हम जब प्रोग्राम हो रहा है, सामने बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। बहुत जनता आई हुई है काफ़ी। तो देखते हैं प्रोग्राम शुरू। मत्स्य क्षेत्र का नाम पूरे देश में जिन्होंने रोशन किया है, भाई गफरुद्दीन एंड पार्टी के कलाकार। जी हाँ, ये आपके सामने भपंग वादन करने के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इन कलाकारों के लिए। आए, 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 आए,
और तू करीम ही तो ठहरा तेरे कर्म का क्या ठिकाना। मुझे ये कम नहीं है कि ये बदल गया जमाना, ए मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। मेरा हौसला देखो सादा दिली का यारो, मैं इश्क करता हूं मगर इश्क को समझा भी नहीं। एक लालो मेरा नियारत चुनू देखो, मैं उस भगवंत मरता हूं जिसे आंख से देखा भी नहीं। रे 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 बिजली की रवानी दे दे और सूखे हुए होठों के लिए पानी दे दे। दो हुए वक्त से पहले बूढ़े, दो हुए वक्त से पहले बूढ़े उनके लिए जवानी दे दे। ये कौन कहते हैं बूढ़े इसकी नहीं। दोस्तों उमंग वादक के बाद अब देखिए मीना वाटी देशी प्रोग्राम। अरे बात नहीं सादा देखी मानी, बात नहीं सादा देखी मानी, और बात ना तेरे नारी सर के दिल में आठानी रे। बात आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी जरूर देखना, उसके भी परफॉर्मेंस देना, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।